हेलो माइनर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइन माइनर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था, कोल माइन रेगुलेशन 2017 के बारे में। आज उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो रेगुलेशन नंबर 133 से 137 तक के बीच में होंगे, और जो भी क्वेश्चंस हों उनको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कोल सीम शैल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसिनेस। कहता है कोल सीम का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसिनेस के आधार पर कौन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर, सेकंड ऑप्शन है माइन इंस्पेक्टर, थर्ड ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है ओवरमैन। हम लोगों ने रेगुलेशन नंबर 133 में पढ़ा था कि कोल सीम का जो क्लासिफिकेशन है गैस के आधार पे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ इन अ गैसी सीम परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इंक्रीज और डिक्रीज देन द ऑनर एजेंट और मैनेजर इन्फॉर्म दी। कहता है कोल सीम का या कोल सीम में डिग्री ऑफ गैसनेस या बढ़ता है या कम होता है, तो इसका इन्फॉर्मेशन ऑनर एजेंट मैनेजर किसे देगा। फर्स्ट ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, सेकंड ऑप्शन है माइन इंस्पेक्टर, थर्ड ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है नन। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिग्री ऑफ गैसनेस बढ़ता है या कम होता है तो इसका इन्फॉर्मेशन ऑनर एजेंट मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द ऑनर एजेंट मैनेजर सेल इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर विद इन। कहता है ऑनर एजेंट मैनेजर सेल इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को कब इन्फॉर्म करेगा, कितने समय के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10 घंटे के अंदर, सेकंड ऑप्शन है 12 घंटे के अंदर, थर्ड ऑप्शन है 24 घंटे के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है 36 घंटे के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑनर एजेंट मैनेजर जब उनको इन्फॉर्म हो जाएगा, उनको जानकारी हो जाएगी कि माइन का गैस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसके 24 घंटे के भीतर भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रीजनल इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट द माइन व्हेन ही गेट नोटिस विद इन। कहता है रीजनल इंस्पेक्टर माइन का इंस्पेक्शन कब करेगा, उसको नोटिस मिलने के अंतराल में। फर्स्ट ऑप्शन है 1 दिन के अंदर, सेकेंड ऑप्शन है 7 दिन के अंदर, थर्ड ऑप्शन है 10 दिन के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है 30 दिन के अंदर। हम लोग जानते हैं कि रीजनल इंस्पेक्टर को अगर नोटिस मिल जाती है ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा, वो 30 दिनों के भीतर भीतर किसी दिन आके इंस्पेक्शन कर सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ऑल प्रिकॉशंस मेजर इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू ऑब्जर्व विद इन 24 आवर्स, देन अ रिक्वेस्ट इन अ राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर गिव रिलैक्सेशन फॉर। कहता है यदि माइन में जो भी प्रिकॉशंस मेजर यूज करने हैं वो 24 घंटे के भीतर भीतर अगर नहीं सारे यूज किए जा सकते, तो ऑनर एजेंट मैनेजर रिक्वेस्ट करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर से इन राइटिंग। जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कितने दिन का रिलैक्सेशन देगा, यानी रीजनल इंस्पेक्टर कितने दिन का रिलैक्सेशन देगा, 10 दिन, 15 दिन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 30 दिन, फोर्थ ऑप्शन 60 दिन। हम लोग जानते हैं कि यदि सारे प्रिकॉशंस मेजर 24 घंटे के भीतर भीतर अगर ऑनर एजेंट मैनेजर अपने माइंड में नहीं यूज कर पाते तो रीजनल इंस्पेक्टर उन्हें 60 दिनों तक का छूट दे सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल एग्जामिन द रेट ऑफ इमिशन एट लीस्ट वंस इन एवरी। कहता है ऑनर एजेंट और मैनेजर उनका कम से कम एक बार रेट ऑफ इमिशन का एग्जामिनेशन कब करेंगे। पहला ऑप्शन है 7 दिनों के भीतर, सेकंड ऑप्शन है 15 दिनों के भीतर, थर्ड ऑप्शन है 30 दिनों के भीतर, फोर्थ ऑप्शन है 20 दिनों के अंदर। हम लोग जानते हैं कि ऑनर एजेंट मैनेजर कम से कम 30 दिनों के भीतर एक बार माइंस का रेट ऑफ इमिशन का इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड अपरेटस विच इज यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरिंग इन्फ्लेमेबल गैस शैल बी अप्रूव्ड बाय। कहता है जो भी इंस्ट्रूमेंट और अपरेटस कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्शन के लिए यानी गैस की जांच के लिए या इन्फ्लेमेबल मेजरिंग इन्फ्लेमेबल गैस की जांच के लिए यूज किया जाएगा वो किसके द्वारा अनुमोदित या अप्रूव होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, थर्ड ऑप्शन है कि कोल इंडिया के लिमिटेड के किसी अधिकारी के द्वारा, या थर्ड फोर्थ ऑप्शन है एनी अदर एजेंसी, कोई किसी अन्य एजेंसी के द्वारा। हम जानते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर माइन में यूज़ किया जा रहा है, वो चाहे मेजरिंग गैस के मेजरिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए या एक्सटिंग्विशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच रेगुलेशन टेल अस अबाउट जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। ऐसा कौन सा रेगुलेशन है जो कि जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर के बारे में हमें बताता है। ऑप्शन ए है रेगुलेशन नंबर 133, ऑप्शन बी है रेगुलेशन नंबर 134, ऑप्शन सी है रेगुलेशन नंबर 135, ऑप्शन डी है रेगुलेशन नंबर 136। हम जानते हैं जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर रेगुलेशन नंबर 134 में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
ऑल सर्फेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स सेल बी ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल विद हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल एंट्रेंस ऑफ द माइन। कहता है जो भी सर्फेस स्ट्रक्चर्स होंगे, सपोर्ट्स होगा, वो फायर प्रूफ के बने होने चाहिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द एंट्रेंस, माइन के क्षतिज कितनी क्षतिज दूरी के अंदर भीतर भीतर जो भी स्ट्रक्चर और सपोर्ट्स होंगे वो फायर प्रूफ के बने होने चाहिए। सो ऑप्शन फर्स्ट है 5 मीटर, ऑप्शन सेकेंड है 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर या सपोर्ट माइन के क्षतिज दूरी तक फायर प्रूफ के बने होने चाहिए। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेल और अदर कार्बोनेसियस मटेरियल सेल नॉट बी हीप्ड और डम्प्ड एट एनी एंट्रेंस ऑफ द माइन विच इज नॉट इफेक्टिवली सील्ड ऑफ विद इन अ डिस्टेंस ऑफ माइन। कहता है सेल या अन्य कार्बोनेसियस मटेरियल का अन्य कार्बोनेसियस मटेरियल को हीप वहां जमा करके डंप करके नहीं रखा जाएगा एंट्रेंस ऑफ द माइन विच इज नॉट इफेक्टली सील्ड ऑफ विद द डिस्टेंस ऑफ द माइन, जो प्रॉपरली सील्ड ऑफ नहीं हुआ है, तो कितने मीटर की दूरी तक उसे डंप या हीप नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट ऑप्शन है 10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 20 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 15 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 30 मीटर। सो हम जानते हैं कि किसी भी एंट्रेंस ऑफ द माइन जो प्रॉपरली सील्ड नहीं है उसके पास ना सेल या कोई अन्य अदर कार्बोनेसियस मटेरियल हीप या डंप करके नहीं रखा जाएगा, उसका डिस्टेंस है लगभग 15 मीटर, 15 मीटर की दूरी तक हम कोई भी कार्बोनेसियस मटेरियल हीप करके नहीं रख सकते। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नो पर्सन शैल लाइट अ फायर और परमिट अ फायर टू बी लाइटेड इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग विद अ डिस्टेंस फ्रॉम एनी एंट्रेंस ऑफ द माइन। कहता है कोई भी व्यक्ति ना आग जलाएगा और ना जलाने का परमिशन देगा एनी पार्ट ऑफ एनी ओपन कास्ट वर्किंग विद इन अ डिस्टेंस फ्रॉम एंट्रेंस ऑफ द माइंस के कितने डिस्टेंस तक। सो ऑप्शन फर्स्ट कहता है 10 मीटर, सेकेंड 20 मीटर, थर्ड 15 मीटर एंड फोर्थ 30 मीटर। सो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ना लाइट जलाएगा और ना जलाने का परमिशन देगा, वो डिस्टेंस होना चाहिए एंट्रेंस ऑफ द माइन से लगभग 15 मीटर की दूरी पर। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु शैल इंस्पेक्ट द टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस टू अ माइन ऑल ओपन कास्ट वर्किंग फॉर द पर्सन ऑफ एनी फायर दैट मे बी ब्रोकन आउट और इंडिकेशन। कहता है कोई भी व्यक्ति, वो कौन सा व्यक्ति होगा जो टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस ऑफ द माइन को इंस्पेक्ट करेगा ओपन कास्ट वर्किंग के केस में और ऐसे जगह जहाँ पे फायर लगने की संभावना हो फायर को ब्रोकन से देखने के लिए बचाने के लिए। सो ऑप्शन ए है माइन मैनेजर, ऑप्शन बी है कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन सी है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो हम जानते हैं कि जो टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस ऑफ द माइन होगा उसका इंस्पेक्शन कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री गैसेस ही फॉर फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग और रिपेयरिंग अपरेटस में बी यूज बाय द परमिशन ऑफ। कहता है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री माइन के केस में अगर हमें माइन के अंदर फ्लेम सेफ्टी फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग की अगर जरूरत पड़े माइन में तो किसके परमिशन से वो यूज किया सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, थर्ड ऑप्शन है माइन मैनेजर, फोर्थ ऑप्शन है जनरल मैनेजर। सो हम पढ़े हैं कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री माइन के केस में माइन मैनेजर द्वारा ऑपरेटर्स जो भी इलेक्ट्रिक और बिल्डिंग के लिए यूज होने वाले हैं उनको अनुमोदित यानी उनको परमिशन दिया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ थर्ड डिग्री माइन हु मे परमिट फॉर फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग। थर्ड डिग्री के केस में कौन सा व्यक्ति उसको परमिट करेगा इलेक्ट्रिक बिल्डिंग के लिए या ऑपरेटर्स जो भी यूज अंदर होगा उसको ले जाने के लिए। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर, सेकंड ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, थर्ड ऑप्शन है माइन मैनेजर, फोर्थ ऑप्शन है नॉट कोई भी नहीं। सो हम जानते हैं थर्ड डिग्री माइन के केस में रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा उसे परमिशन दिया जाता है इन राइटिंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 16, ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सर्फेस थ्रू द वॉल केबल एंट्रेंस विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन एट लीस्ट वंस इन अ, फर्स्ट ऑप्शन है 10 डेज, सेकंड ऑप्शन है 15 डेज, थर्ड ऑप्शन है 30 डेज एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड। कहता है ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सर्फेस, सभी अनयूज्ड वर्किंग जो सर्फेस से कनेक्टेड है थ्रू द वॉल केबल एंट्रेंस जो आने जाने के रास्ते से कनेक्टेड है विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज जो परमानेंटली क्लोज नहीं हुए हैं उनको कंपिटेंट पर्सन द्वारा कितने दिनों में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है 10 डेज, 15 डेज, 13 डेज, 30 डेज या नॉट रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन इसमें है कि कम से कम वो 30 दिनों में एक बार इसका इंस्पेक्शन करेगा। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, साइज ऑफ पिलर्स डिपेंड ऑन, जो किसी भी पिलर का साइज किस पे डिपेंड करता है, डिक्लेयरिंग पैनल के साइज का पिलर किस पे डिपेंड करता है, माइन एरिया पे, कोल ग्रेड पे, लीज एरिया पे या एक्यूबेशन पीरियड पे। जो भी पैनल का साइज होता है वो एक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट एट लीस्ट वंस इन एवरी डे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जांच होगा
वो कम से कम कितने दिनों में एक बार होगा? 10 दिनों में, 15 दिनों में, 7 दिनों में, या कभी नहीं? सो ऑप्शन जो इसका जांच होगा कम से कम 7 दिनों में एक बार होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में एक गलती हो गया है, साइज ऑफ पिलर डिपेंड ऑन, साइज ऑफ पैनल्स डिपेंड ऑन होना चाहिए, इक्वेशन पीरियड पे होता है, इक्वेशन पीरियड साइज ऑफ पैनल्स डिपेंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कंप्लीट एनालाइज ऑफ सीओ फॉर्म्ड ओ टू एब्जॉर्ब रेशियो एट लीस्ट वन सीना। कहता है सीओ टू फॉर्म्ड और ए टू एब्जॉर्ब का कंप्लीट एनालिसिस कितने दिनों में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। सो ऑप्शन इसका है फर्स्ट 10 दिनों में, ऑप्शन सेकंड है 15 दिनों में, ऑप्शन थर्ड है 30 दिनों में, ऑप्शन फोर्थ है नॉट रिक्वायर्ड। सो हम जानते हैं सीओ टू फॉर्म्ड ओ टू एब्जॉर्ब का जो भी रेशियो है उसका कंप्लीट एनालिसिस कम से कम 30 दिनों में एक बार किया जाना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। एवरी डिप्लेरियन डिस्ट्रिक्ट शैल बी इंस्पेक्टेड ऑन एवरी 10 डेज, 7 डेज, आइडियल डेज एंड नेवर। कहता है जो डिप्लेरियन डिस्ट्रिक्ट है उसका इंस्पेक्शन कम से कम एक बार किया जाना चाहिए, 10 दिनों में, 7 दिनों में, या फिर किसी आइडियल डे के दिन, या कभी नहीं। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइडियल डे के दिन एक दिन निर्धारित होता है उसके लिए, उसी दिन जाके डिप्लेरियन पैनल का, डिप्लेरियन डिस्ट्रिक्ट का जांच या इंस्पेक्शन किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नौ क्वेश्चन नंबर 21। ऑल अनयूज्ड वर्किंग विच इज नॉट सील्ड ऑफ एंड आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ट शैल बी इंस्पेक्टेड वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 30 डेज। कहता है जो अनयूज्ड वर्किंग है विच इज नॉट सील्ड ऑफ, जो बंद नहीं है या आइसोलेट जिसमें अभी नहीं, आइसोलेशन जिसमें अभी नहीं बना है, उनका इंस्पेक्शन कितने दिनों में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। सो ऑप्शन पहला 10 दिन, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट है 7 डेज, सेकेंड 10 डेज, थर्ड है 15 डेज एंड फोर्थ है 30 डेज। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कम से कम 15 दिनों में एक बार इसका जांच होना चाहिए जो अनयूज्ड वर्किंग है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।